बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार इन दिनों अपने नेताओं के निशाने पर चल रही है। आए दिन सीएम नीतीश को लेकर बयानबाजी हो रही है। एक तरफ जहां सीएम नीतीश और जदयू के संसदीय बोर्ड के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बीच तनातनी बढ़ती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजद विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह पर कार्रवाई को लेकर मांग भी उठ रही है। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि कुशवाहा और नीतीश के बीच क्या बयानबाजी चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जदयू कमजोर हो रही है। कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने की अटकलों पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वह रहें तो बहुत अच्छा, नहीं रहें कहीं और जाएं अपनी इच्छा है। जब आप पार्टी में आए थे तो हमने उनका स्वागत किया था। वहीं पार्टी में अपनी हिस्सेदारी मांगे जाने के कुशवाहा के बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन सब बयानों का कोई मतलब नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करने वाले राजद विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह पर क्या पार्टी कोई कार्रवाई करेगी और अगर एक्शन लिया भी जाएगा तो सुधाकर के खिलाफ आखिर क्या कड़ाई होगी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। अगर पार्टी के खिलाफ अगर कोई काम करेगा आलोक तो कार्रवाई करेगी ना भाई। आलोक तो ये सब तो कहीं भी आपने देखा होगा, कोई अगर कुछ बोलेगा तो पार्टी उसी हिसाब से देखती है। इसके आगे तेजस्वी ने कहा कि पार्टी ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया है। उनके पास 15 दिन का समय है, जवाब आने के बाद तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। बता दें कि नीतीश के खिलाफ बयानबाजी करने पर आरजेडी ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। राजद ने नोटिस में कहा था कि आपने गठबंधन धर्म की मर्यादा का बार बार उल्लंघन किया है। राजद के अधिवेशन में प्रस्ताव पास हुआ था कि गठबंधन के मामलों में सिर्फ लालू यादव के अलावा तेजस्वी यादव बयान देने के लिए अधिकृत हैं, लेकिन आपने इस प्रस्ताव का लगातार उल्लंघन किया। आपके बयान लगातार उन ताकतों को बल देते हैं जो संविधान को रौंदकर न्याय, सौहार्द और समानता की पैरोकारी को समाप्त करना चाहते हैं। आपके बयान देश प्रदेश और राजद के एक बड़े वर्ग को आहत कर रहे हैं। दरअसल राजद विधायक सुधाकर सिंह बिहार की महागठबंधन सरकार और नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। खगड़िया में जनसभा के दौरान सुधाकर ने सीएम नीतीश पर जमकर हमला किया था। सुधाकर ने कहा था कि बिहार में न्याय का शासन नहीं चल रहा है बल्कि लूट का ऐसा मॉडल बना है जिसे जांचना पुलिस के बस की बात नहीं, क्योंकि लूट का मॉडल सत्ता संरक्षित है। पूर्व कृषि मंत्री ने कहा था कि जदयू भले ही एनडीए से अलग हो गई है लेकिन जदयू का बीजेपी से मोह भंग नहीं हुआ है, अभी भी बीजेपी के लाइन पर ही जदयू चल रही है। तभी तो जदयू के मंत्री से लेकर बड़े नेता तक रामचरितमानस प्रकरण में बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। बता दें कि जब से एनडीए से जदयू अलग हुई है तब से नीतीश विपक्षियों के निशाने पर हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार जल्द ही गिर जाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए अपने नेताओं का आरोप बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। इन सब के बीच खबर है कि बीजेपी का मिशन लोटस काफी एक्टिव भी दिखाई दे रहा है। दरअसल बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाकर बिहार में 2024 में 2014 का रिजल्ट दोहराना चाहती है। 2014 में बीजेपी और गठबंधन ने 40 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी के साथ उस वक्त रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा थे। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।